तो बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं कादिर राणा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं कादिर राणा, जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी की है। बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में वो उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं कादिर राणा। जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है। और ऐसे में मुजफ्फरनगर के साबिक रुकन पार्लियामान कादिर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। एक बार फिर से उन्होंने वापसी की है और बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं कादिर राणा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूपी का दावेदार आप देख रहे हैं कि कौन होने वाला है। और उस दावेदारी से पहले इधर से उधर जो है नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो भी नाज़रीन इस वक्त इस प्रोग्राम को देखना शुरू कर चुके हैं, कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए कादिर राणा और मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं जो कादिर राणा, वो किस समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कादिर राणा ने 17 साल बाद समाजवादी पार्टी में वापसी की है। उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी छोड़कर उन्होंने समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो कादिर राणा अब समाजवादी की साइकिल को आगे बढ़ाएंगे और हाथी से उतरकर वो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसको आगे लेकर चलेंगे 2022 के चुनाव में। क्योंकि खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में कादिर राणा शामिल हो गए हैं। मुजफ्फरनगर के साबिक एमपी हैं कादिर राणा। और खबर पर मजीद अपडेट का साथ जी मीडिया नुमाइंदे अवैस अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अवैस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 17 साल बाद अगर समाजवादी पार्टी में कादिर राणा की वापसी हो रही है, तो क्या यह मानकर चला जाए कि समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है? बिल्कुल शहबाज, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां जहां पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जहां जहां पर रैली कर रहे हैं, तो वहीं वहीं पर एक नया तरीके का धमाका अखिलेश यादव की ओर से राजनेताओं में देखने को मिल रहा है। कल देर रात ही जो कादिर राणा है वो अपने पूरे काफिले के साथ, अपने दल बल के साथ में लखनऊ पहुंचे, और लखनऊ पहुंचने के बाद जो बसपा के पुराने जो कद्दावर नेता थे मुजफ्फरनगर के, वो और मेरठ वाले दोनों नेता मुजफ्फरनगर मेरठ के कादिर राणा के साथ अखिलेश यादव के यहाँ पे देर रात पहुंचे। सुबह आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। हाथी से उतर के सीधा साइकिल पर बैठे हैं और अब साइकिल को चलाने की जिम्मेदारी कादिर राणा के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि लगातार समाजवादी का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है वो बहुत अधिक है, क्योंकि मुस्लिम जो समुदाय है वो ज्यादातर इन इलाकों में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अपना एक होल्ड पैदा करती नजर आ रही है। लगातार जो है बड़े पैमाने पर जो नेता है वो बसपा हो या फिर अन्य पार्टी हो, सभी छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो रहे हैं। जो पूर्व सांसद है कादिर राणा, उनकी बात की जाए तो वो बहुत कद्दावर नेता है, उनकी एक शख्सियत है मुजफ्फरनगर के अंदर में। जितने भी जो बड़े उद्योगपतियों में भी उनके नाम शुमार होता है, और राजनीति का जो है बड़ा लंबा सफर है उनके सफर में। 17 साल के बाद वापसी की है उन्होंने आज समाजवादी पार्टी में। उन्होंने कहा है कि जो मेरा पहला परिवार था, थोड़ी नाराजगी थी जी, अब वो दूर हो चुकी है और आज वो समाजवादी पार्टी के अंदर में शामिल हो गए। लगातार समाजवादी का बढ़ता हुआ स्तर है। और कल को जो मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना के अंदर में अखिलेश यादव की जो बड़े पैमाने पर रैली होने वाली हो रही है, उसका जो पैराग्राफ है वो भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कादिर राणा के जो समर्थक हैं वो राहत की बात है कि रैली के अंदर पहुंचेंगे और पूरी जान जोखम जितना भी उनका है कहा जा सकता है, जो बसपा के लिए उन्होंने जितने जोखम उठाया वो सारे के सारे उनके जो है वो दिलदर्द जहां तो दूर हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी का कुनबा इसलिए बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि हर एक कुनबे को जो है अपनी जानिब रागिब किया जा सके, हर एक तबके को अपनी तरफ खींचा जा सके। हमने देखा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जानिब से समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी की बात कही गई है, उसकी तस्वीर दी गई है, उनका कमिश्नर भी बता दिया गया है, क्या यह मानकर चला जाए कि हर एक तबके को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश की जा रही है? और अगर हम कादिर राणा की बात करें तो जो आप बता रहे हैं कि उनकी काफी ज्यादा मकबूलियत है, क्या यह मानकर चला जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अब टक्कर कही जा सकती है वो सबसे ज्यादा दो पार्टियों में होगी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी?
बिल्कुल शादाब, ये तो बिल्कुल साफ तौर से तय है कि समाजवादी पार्टी की ही टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ होनी है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव का यही बयान है कि हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हमारी जंग है और हमारी जो फाइट होगी सिर्फ बीजेपी के साथ होगी, अखिलेश यादव के लगातार के बयान है। तो दरअसल की बात है, और समाजवादी पार्टी के अंदर में मुस्लिम चेहरे थे, मुस्लिम कादिर राणा की वापसी हो जाने से बड़ा जो सवाल है और बड़ा ये भी एक तथ्य पैदा हो गया है, क्योंकि आजम खान लगातार जेल में है और समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम चेहरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षित की बात थी। तो अब कादिर राणा जैसा दिग्गज नेता जो है मुजफ्फरनगर से जिसकी वापसी हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर में, तो बहरहाल की बात है कि कहा जा सकता है कि आजम खान की जेल के जाने के बाद अब कादिर राणा का स्तर भी बढ़ेगा। और क्या ये मान के चला जाए ओवैस, क्योंकि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार उन तमाम जो पार्टी है उन पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमानों को हिस्सेदारी कब देंगे और कितनी हिस्सेदारी देगी, तो क्या उसके लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर कहा जाए कि अगर हमको जवाब देना पड़े असदुद्दीन ओवैसी को या फिर एमआईएम को, तो ये बता सके कि देखिए हमने जो है अपने यहाँ पर लोगों को शमूलियत अख्तियार कराई है और आने वाले वक्त में उनको टिकट भी दिया जाएगा। बिल्कुल शाहबाज, ये तो तय है कि कादिर राणा का टिकट जो है वो निश्चित रूप से होगा, हालांकि आला कमान क्या तय करेगी समाजवादी पार्टी ये तो नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि ये उनका अपना पर्सनल और निजी संबंधित है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के अंदर में अगर कादिर राणा की वापसी हुई है, तो बहरहाल की बात है कादिर राणा अपना आप में दिग्गज नेता के रूप में शुमार होते हैं, उनका टिकट की बात भी हुई होगी तभी जाकर उनकी जो है वापसी आज समाजवादी पार्टी के अंदर से हुई है। और यही कारण है कि जिस तरीके से एएमआई जो अपने लगातार 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर में चुनाव लड़ रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए कादिर राणा एक करारा जवाब भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आजम खान के जाने के बाद कादिर राणा की वापसी होना और फिर कादिर राणा का स्तर का एकदम बढ़ जाना समाजवादी पार्टी के अंदर में, बहरहाल की बात है कि चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में तमाम जो समीकरण है वो चेहरों के ऊपर दाव लगाए। बिल्कुल, चेहरों के ऊपर दाव लगाए जाएंगे, चेहरों पर जब दाव लगेगा तो आने वाले वक्त में ये समझना होगा कि क्या वो चेहरे जो है आगे रेस में दौड़ पाते हैं और क्या सिर्फ दौड़ पाते हैं बल्कि उसके अंदर आगे भी निकल पाते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका।